देखो अज साडे प्रधान जिहड़े श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने खास तौर पर एक ग्रुप आ लोक सभा ते राज्य सभा दा बनाया, जिहदे चों असी तकरीबन 5-5 जाने जिहड़े अज हाजिर सी। ते उहदे विच पहलां तां सारियां हर मुल्क दे हर मुद्दे बारे डिस्कशन हुई। सब तो वड्डा मुद्दा किसानां दा, जिवें ला लो देश दा, उदों बाद महंगाई दा, उदों बाद तुसीं ला लो किन्ने वड्डे फ्लड्स ने, हड़ ने जिहड़े केरल तों लै के आंध्रा कर्नाटक तक तमिलनाडु तक उत्थे फ्लड बड़ा नुकसान होया। इसे तरीके नाल कोविड दी गल आ जिहड़ी, उह आपां अज बेशक चाहे भुल गए हाँ इन्नी छेती, उह च की होया, किवें मिसमैनेजमेंट हुई, की होया अगे, किवें बचा रखना, ये वड्डे मुद्दियां ते डिस्कशन अज हुई। ते सब तो वध वड्डी गल जिहड़ी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कही, बाकी पार्टियां नाल कोऑर्डीनेशन करो, वो ड्यूटी लाई जिहड़ियां भी ओपोजिशन पार्टियां ने, क्योंकि 29 तरीक नूं किसान मार्च आ पार्लीमेंट च, ते सरकार ने भी ये कहा भी असी रिपील आ जिहड़े बिल करांगे, कैबिनेट च उन्होंने इहनूं मंजूरी दित्ती आ। हुण देखणा तां इह आ भी उह किदण लैके आउंदे आ, पर 29 तरीक नूं ये क्लीयर इंस्ट्रक्शन ने दोनों सदनां श्रीमती सोनिया गांधी जी वल्लों भी किसानां दे MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर फसल लई निर्धारित कीती जावे, खास तौर पर लखीमपुर खीरी जिहड़े स्टेट होम मिनिस्टर ने उन्हां दे बेटे ने जिहड़े कुचल के आम गरीब मजदूर किसान ने जिहड़े उन्हां नूं मारिया है, उन्हां दे अस्तीफे दी डिमांड सब तो वड्डी आ जिहड़ी भी वो एक जिहड़ा होम दा महकमा, पुलिस दा महकमा देश दी, दे वो हैड कर रहा जिहदे जिहदे बेटे ने जिन्हां ने इंस्ट्रक्शनां ते ऐ कुचल के रखते लोग, ते जे उन्हां दा कुछ नहीं होगा तां फिर इत्थे कानून जां आपां जे संविधान कानून कोर्ट जुडिशरी पुलिस गल करदे हां तां ओह कित्थों रहि गई। ते ये दो गल्लां उदों बाद ये 29 नूं दोनों सदनां च ये पार्लीमेंट दे उठाया जाऊ बड़े जोर शोर नाल, ते बाकी जिन्नियां भी किसानां दी डिमांड्स ने उहनां दे बारे जिन्नां चिर ओह पूरियां नहीं हुंदियां। उदों बाद महंगाई, वो तो बहुत वड्डा इशू आ, सिलेंडर ला लो, डीजल तेल पेट्रोल ला लो, रसोई ला लो, उहदे बारे ये पहलां 2 दिन की हजे जिहड़ी आ रणनीति बनी आ, अगे होर बनाई जाऊगी। पहलां 10 बजे तकरीबन आ जिहड़ा उदण जिहड़ा मैनूं लगदा किसान जिहड़े आ वो शुरू करनगे, वो टाइमिंग देखांगे किन्ने बजे आ, ते उसे वेले उस तरीके नाल पार्लीमेंट दे विच अंदर ते बाहर दोनों पासे जिहड़ी किसान 750 दे उत्ते किसान जिहड़ा ओह शहीद हो चुके आ, उन्हां दे बारे उन्हां दे परिवारां दे बारे सरकार की सोच रही है उन्हां दी गल ठोक बजा के उत्थे करांगे। करोड़ रुपया उन्हां दे लई कंपनसेशन आ जिहड़ा उहदी डिमांड करांगे, असीं मुड़ के तां नहीं लिया सकदे कोई भी, पर किसानां दे लई इह सारियां चीज़ां 29 तरीक नूं कांग्रेस पार्टी जोर शोर नाल ये उदण चक्केगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यह गल आ जिहड़ी मीडिया च कही सी हो लैण दो, देखदे आ की सरकार आ जिहड़ी आ पार्लीमेंट दे विच लैके आउंदी आ, क्योंकि ये एक साल पहला जिहड़ा बिल आया ये तां हजे असीं उहदी गल कर रहे हां, वह भी हजे पार्लीमेंट च आउणा है, उदों पहलां असीं MSP दी गल कर रहे हां जिहड़ा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी, होर जिहड़ियां किसानां दियां जिन्ना भी चार्टर सीगा जिहड़ा डिमांड जिहड़ा लगातार 11 मीटिंगां जिहड़ियां होईयां जिहड़ी जिहड़ी डिमांड सी, जिवें जिवें सरकार पूरी करूगी ते आस आ पूरा असीं उहनां नूं जोर ला के ते इस गल्लां ते मनावांगे, ते असीं उस गल ते मैं बिल्कुल मैं खास तौर ते अज भी उस गल ते खड़ा है, पर सरकार इस गल ते जदों आवेगी आपां किसे दा उह सरकार दे लई थोड़ी करना सी कुछ, आपां तां इक पंजाब दी भाईचारक सांझ लई करना ना, इह गल देखो भी सानूं जिड्डी भी मर्जी तकलीफ आ जिड्डी मर्जी उखियाई आ, जे तुसीं इह कम करदे हो तां मैं इह गल अग्गिओं हो के इह गल कही सी, पर हजे ओह पार्लीमेंट सैशन शुरू होना है, हजे उत्थे गल्लां होणियां है, उह च देखांगे कोखांगे भी की हो रहा की नहीं हो रहा, उदों बाद आ जिहड़े आपां उरे ही आ। फिर भी मैं कई चैनल्स ते कईआं ने इह गल जिहड़ी कही है इह गल भी हुण रवनीत बिट्टू नूं इह आ के गल करनी चाहीदी आ, हजे बहुत छेती है, हजे तक किसान आप नहीं उठ के गए, हजे मैं किवें कह देवां इह गल,
अजे तो जिहड़े किसान ने वो आप धरने पर बैठे आ, उन्होंने नहीं असे कोई जिहड़ा इस गलते एक्शन या रिएक्शन दिता जिहड़ी उन्होंने डिमांड्स ने, तो इस करके उदों बाद देखा जाऊगा जदों किसान खुश होकर अपने घर परतणगे, जदों MSP दिती जाएगी, जदों किसानां नूं जिहड़े शहीद होए आ उन्हां दे बारे सरकार सोचेगी। ये गल्लां जिहड़ियां बड़ियां डूंघाई वालियां गल्लां, ये कोई एवें नहीं कहण वालियां भी बड़ा एक बयान दे के जिहड़े भी दे रहे आ वह सरजूगा, हजे हुण तां दो कुछ असी तां भाई जे इन्ना कुछ ये गल कही सी भी जे सानू पता ना भी वो तकलीफ की हुंदी आ, अज उन्हां दे घरे पुछो जिहड़े 850 जां 700-800 दे करीब जिहड़े किसान परिवार शहीद हो गए, उन्हां दे परिवारां नूं पुछो ना भी एक मौत एक मरना किड्डी बड़ी गल हुंदी आ। ते इस करके चाहे कोई भी जथेबंदियां उन्होंने चंगी गल कही है, बिल्कुल मैं उस गल ते कायम हाँ, मैं उस गल ते खड़ा है। आप परिवार के साथ जाएंगे प्रधानमंत्री से? हजे हजे मैं तो अपनी गल की सी, हजे हुण तां दो, हजे गल तां जिहड़ी सिरे चढ़न दो, ते उदू बाद आ जिहड़ा वो तुहाडे मूहरे रूबरू होके सारी गल करांगे। हजे तां कुछ होया ही नहीं गा, हुण तां दो, हजे फिर वो गल अगे BJP सरकार मूहरे की करनी है किवें करनी है उदों करांगे। तो गल ये आ जिहड़ा बंदा पंजाब दा ही ना होवे, जिहड़ा बंदा पंजाबी ना बोलता होवे, उन्हूं आपां क्यों सीरीयस लैने? उन्हें पिछली बार भी पंजाब नूं लुट्टण की कोशिश की सी, उहदा जी नहीं करता, केजरीवाल साहब का जी नहीं करता भी मैं कोई भी इसी गल्लां करके। तो देखो फूलका साहब सी वो छड़ के चले गए, LOP सी इन्हां दे, खैरा साहब सी वो छड़ के चले गए, देखण तां सी अपना हाल की आ। ये बंदे पंजाब का जो मर्जी अनाउंस करी जाण, इन्हां दा की जांदा है? ये एक दिन भी जो दर्द सी इन्हां दे जिमें आप मुख्यमंत्री बनू अन्ना हजारे जी नाल, तो उन्होंने नाल इत्थे बह गए सी भुख हड़ताल ते क्योंकि मुख्यमंत्री बनना सी दिल्ली का, जे इन्ना ही इन्हों सी तो क्यों ना साढ़े नाल आके अपना इन्हों का एक भी MLA इन्हों का एक भी MP या मंत्री क्यों ना किसानों के खातर धरने पर बैठा जिन्हों दर्द सी, अज आके कहते 1000 रुपया? वो 1000 रुपए के महताज ने साडिया मावं भैन थोड़े दे की मतलब आ थोड़ा इस गल का? अपने दिल्ली देख लो जिद्दन दे तुसी बने हो, एक भी सेंटर सरकार तो बगैर एक पुल बने हैं? कोई एक कोई हॉस्पिटल बने हैं? एक कोई पब्लिक स्कूल बने हैं? गल्ला मारी जाने हो वो चली जांदियां हैं थोड़ियां, ठीक है, पर पंजाब दे विच ये कुछ चलना नहीं। केजरीवाल साहब तो अज डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए हुए सी, मैं हैरान हाँ दिल्ली वाले वह जे लोग ने जिहड़े इन्हां नूं इन्ना फ्री टाइम दिता भी ये दूजे सूबे जाके अपना दुकाना चलाउंदे आ जिते इन्हां दा काम आ उत्थे दा काम करन, इह किहड़ा मुख्यमंत्री कोल इन्ना टाइम आ भी रोज़ वो पंजाब चले जांदा? जी किहदे कोल इन्ना टाइम आ डिप्टी मुख्यमंत्री कोल रोज़ पंजाब फिरदे आ? जिहड़े पंजाब दे ने वो भगवंत मान अर्गे जां होर जिन्ने भी MLA आ वो तरसदे फिरदे आ भी असीं पार्टी आ जिहड़ी पंजाब दी वो असीं साडे कोल आ, असीं मेहनत करके चलाई आ, वो रोज़ छड छड एक गेड़ा मारदे आ एक MLA किर जांदा है, एक गेड़ा मारदे आ एक MLA कांग्रेस जॉइन कर जांदा है। ये तो हालात आ, मैनू अपने MLA तो गिण लैन कोई रहा भी है कि नहीं? इस करके दिल्लियों जे MLA लैके जाने उत्थे उन्होंने सैर सूर करा के गेड़ा कढ़ा के लाउणा वो ठीक है, वो कराउंदे रहो, पंजाब च सियाला चंगी मक्की की रोटी सरों का साग मिलेगा तो वो चंगा, थोड़ी सेवा जिहड़ी है मैनू लगता हो रही है, देसी घिओ भी मिलेगा, पिछली बार NRIs ने भी बड़ा कुछ दिता सी, उहदा हिसाब भी दे दो पंजाब च NRIs वाला भी किन्ने 1000 करोड़ ते किन्ने डॉलर ते पाउंड जिहड़े NRIs तो लैके आए हो वो आके दसणगे स्टेजां ते। हुण सर वो कह रहे ने कि 25 MLA और 3 MP साडे च आउण लई काले ने लेकिन असीं कांग्रेस दा कूड़ा नहीं लैण देंदे। यार देखो मैनूं शर्म आउंदी आ केजरीवाल साहब ते भी ऐसा लफ्ज़ MLA 2 लख बंदा चुणदा है, किन्ने 2 लख 25 का मतलब 50 लख पंजाबियों नूं उन्होंने कूड़ा कहता, एक MP नूं 25 लख बंदा, मेरे लुधियाने च तां आबादी सुख नाल उदों भी 35 लख आ, ते तुसीं की समझदे हो तुसीं करोड़ां बंदियां नूं कूड़ा कहता? केजरीवाल साहब इहदा जवाब देना पऊगा। तुसीं MLA MP कोई घरों नहीं बन के आउंदे, MLA MP लोक चुणदे आ ते उहनां दे पिछे उन्ने लोक हुंदे आ उस हलके दे, ते तुसीं ये शब्द मेरा तो नौ लैणों जी नहीं करता केजरीवाल साहब का, जदों आह जदा जड्डा इन्होंने शब्द वरत्या है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੂੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਤੰਤਰ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਚਦੀ ਕੂੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MLA ਚੁਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, MP ਚੁਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ MP ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ MP ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆ। ਮੈਂ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਡੱਬੂ ਕੰਧ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, SC BC ਸਭ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਨਾਲੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂੰਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪਤਾ।